अस्सलाम वालेकुम। कि आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स इससे पहले आप पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट कि दो प्लेट्स, दो मेटल प्लेट्स के दरमियान अगर आप कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें और उसको उस इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट कर दें तो बेसिकली ये एक कैपेसिटर बन जाता है। और कैपेसिटेंस जो होती है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ प्लेट्स की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन प्लेट्स, दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है A ओवर D। इसी तरह कोई भी सर्किट है जिसमें कोई भी कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो है क्यू टी, जो करंट इसमें से पास कर रहा है वो है आई टी। हमें पता है कि करंट बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ चार्जेस होता है, ठीक है। कोई भी करंट जो कैपेसिटर में से पास कर रहा है वो होगा डेरिवेटिव ऑफ चार्जेस अक्रॉस दैट कैपेसिटर। तो इससे हम डिफरेंट रिलेशन डिराइव करेंगे, करंट का रिलेशन, वोल्टेज का रिलेशन और पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ हो, और उसकी एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन है इस सर्किट के लिए। हमें पता है कोरिलेशन के चार्जेस एक्चुअली किसके इक्वल होते हैं, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, क्यू इक्वल टू सी भी आपने पढ़ा होगा पहले भी। और हमें पता है कि करंट होता है डेरिवेटिव ऑफ चार्जेस। तो अगर हम क्यू टी की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन थ्री में जो कि है सी इंटू वी टी, तो करंट किसके इक्वल बन जाता है, कैपेसिटेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। करंट कैपेसिटर का करंट किसके इक्वल हो जाएगा, कैपेसिटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। और इसी एक्सप्रेशन को अगर आप थोड़ा मैनिपुलेट करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करें, तो आपको नज़र आएगा कि इससे हम ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं डी वी टी इज इक्वल टू आई टी डी टी ओवर सी। और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड पे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वी टी इज इक्वल्स टू वन ओवर सी माइनस इन्फिनिटी टू, माइनस इन्फिनिटी टू टी को सेलेक्ट किया है हमने क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है। अब क्योंकि कैपेसिटर एक स्टोरिंग एलिमेंट है, ये वोल्टेज को स्टोर कर सकता है, तो इसलिए हमने देखना है कि उसके क्रॉस ऑलरेडी कोई चार्ज तो नहीं है। जब आपने अपना एनालिसिस स्टार्ट किया सर्किट में तो इससे पहले जो आप कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे वो स्टोरिंग एलिमेंट्स नहीं थे, रेजिस्टर एक स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, तो आप ये चीज़ बॉदर नहीं करते थे कि वो कितनी देर से सर्किट में कनेक्टेड है, ठीक है। जैसा भी सर्किट है, चाहे वो एक घंटे से कनेक्टेड है, दो घंटे से कनेक्टेड है, जस्ट आपने अभी उसको कनेक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेजिस्टर चार्ज स्टोर नहीं करता था। लेकिन अब क्योंकि सर्किट में कैपेसिटर्स आ गए हैं तो अब कैपेसिटर चार्ज स्टोर करते हैं, तो अब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आप वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस मेजर कर रहे हैं तो आपने देखना है कि ऑलरेडी उसके क्रॉस पहले से भी वोल्टेज स्टोर तो नहीं है, इसलिए आप माइनस इन्फिनिटी से टी तक का इंटरवल लेते हैं। अब इस इंटरवल को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक कर सकते हैं, तो उसको हमने डिवाइड किया है एक माइनस इन्फिनिटी टू टी नॉट, टी नॉट इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड अदर इज फ्रॉम टी नॉट टू टी। तो अब ये क्योंकि टी नॉट मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो एक डेफिनेट इंटीग्रल बन रहा है, तो ऑफकोर्स इसका जो आंसर आएगा वो कोई कॉन्स्टेंट आएगा, ठीक है, उसको हम कह लेते हैं वी टी नॉट।
इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर कोई कांस्टेंट आएगा, उसका हमने कह दिया v ऑफ t नॉट प्लस ये वाला एक्सप्रेशन वैसे का वैसे ही आ गया। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर किसके इक्वल होगी, vt विल बी vt नॉट प्लस 1 ओवर c इंटीग्रल ऑफ ix। अब ये vt नॉट क्या है, ये vt नॉट वही वोल्टेज है जो कैपेसिटर के अक्रॉस पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर कैपेसिटर सर्किट में पहले से कनेक्टेड है और जब आपने एनालिसिस स्टार्ट किया है तो आया उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो वो वोल्टेज आप इस वी टी नॉट की जगह लिखा करेंगे अगर पहले से वो वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर जीरो है तो फिर वी टी नॉट जीरो हो जाएगा और सिर्फ एक्सप्रेशन कितना सा रह जाएगा, लेकिन इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। अगर कैपेसिटर पहले से चार्ज है उसके क्रॉस के वोल्टेज है तो वो VT नॉट की जगह आएंगे। तो ये है कंप्लीट वोल्टेज का एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर्स। इसी तरह हमें पता है पावर वोल्टेज इनटू करंट होती है, और इक्वेशन 4 को यूज करते हुए अगर हम IT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें CdVdt ऑफ VT तो पावर का एक्सप्रेशन ये बन जाता है। इसी तरह एनर्जी इंटीग्रल ऑफ पावर होता है। अगर आप एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं कैपेसिटर की तो आप अगेन लिमिट कौन सी चूज करेंगे, माइनस इनफिनिटी टू टी, क्योंकि कैपेसिटर पर जब आपने एनालिसिस स्टार्ट किया है तो हो सकता है उसने पहले से कुछ एनर्जी स्टोर की हुई हो, तो इसलिए आपने उसको भी काउंट करना है। हमें पता है पी ऑफ एक्स इसके इक्वल है, हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और अब dx से कैंसिल हो गया तो इंटीग्रल के वेरिएबल चेंज हो गए, अब vx dvx बन गया, मींस अब ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज हो गया, पहले ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x था, ठीक है। अब लिमिट्स क्या थी, टाइम लिमिट्स थी, अब ये विद रिस्पेक्ट टू अब ये आप वोल्टेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं Vx dVx, तो अगर पहले टाइम था और अब वोल्टेज बन गया है तो डेफिनेटली आप माइनस इनफिनिटी टू टी तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो टाइम लिमिट्स हैं, अंदर के वेरिएबल चेंज हो गए हैं Vx और dVx, ऑफ कोर्स फिर आप उन वेरिएबल्स को भी चेंज करेंगे, आप टाइम माइनस इनफिनिटी नहीं वोल्टेज एट माइनस इनफिनिटी क्या थी और टाइम टी नहीं वोल्टेज एट टाइम टी क्या था Vx dVx, अब इसकी लिमिट्स इसके लिहाज से चेंज हो जाएंगे। तो ये बनता है हाफ सी वी एक्स स्क्वायर, और इन पर अगर आप लिमिट पुट कर दें तो वी सी टी बनेगा हाफ सी वी स्क्वायर टी, क्यों, क्योंकि एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी मीन्स बहुत पहले का टाइम जब सर्किट बिल्कुल अभी कनेक्ट हुआ था और कैपेसिटर कोई चार्ज स्टोर नहीं कर सका था, तो अगर कैपेसिटर के क्रॉस कोई चार्ज स्टोर नहीं है तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी भी जीरो होगी, मीन्स टाइम t इज इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी वो टाइम जब कैपेसिटर रिसेंटली कनेक्ट हुआ था और उसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं थी, अगर कोई वोल्टेज नहीं थे तो ऑफ कोर्स टाइम t इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी पर कोई एनर्जी भी नहीं होगी तो वो जीरो होगी, तो जो एक्चुअल एनर्जी बनी वो बनी हाफ सी वी स्क्वायर टी। तो ये एक दो तीन चार पांच एक्सप्रेशन हैं और ये बेसिकली वही क्वांटिटीज हैं जो आपको चैप्टर करते हुए फाइंड करनी होंगी, प्लॉट करनी होंगी, कुछ भी एक क्वांटिटी गिवन है, एक का ग्राफ गिवन है, दूसरी को फाइंड करना होगा, उसको प्लॉट करना होगा, उसके लिए आपको इन एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको इनको ड्राइव करना आना चाहिए। पॉज करें स्टूडेंट, ये ग्राफ है, वो कहता है कि 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है
उसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसका ग्राफ ये गिवन है, जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, मींस फ्रॉम और टाइम मिली सेकेंड में, 0 to 6 मिली सेकेंड ये ग्राफ इस टाइप का वोल्टेज का, और 6 to 8 मिली सेकेंड ये दोबारा ड्रॉप हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आप करंट फाइंड करें और उसको प्लॉट करें कि इन टाइम इंटरवल्स में करंट क्या होगा और वो कैसा नजर आएगा, उसको प्लॉट करना। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं 0 to 6 तक, हमें पता है कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने कब किए, आपको याद होगा कि जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे पावर, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें किए हैं। तो टाइम इंटरवल लिया हमने 0 to 6 मिली सेकेंड का, और हमें पता है कैपेसिटर का करंट किसके इक्वल होता है, सी डी बाई डी टी ऑफ वी टी। मसला यह है कि वी टी क्या है, वी टी होगा तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे ना। वी टी का एक्सप्रेशन ये गिवन है, एक लाइन है 0 to 6 मिली सेकेंड तक जा रही है जो एक रैंप फंक्शन बन रहा है, और उसकी हमें वैल्यूज पता है कि मैक्सिमम 24 वोल्ट्स है 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, y माइनस y1 x माइनस x1 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो इस केस में y एक्सिस पे क्या है, vt माइनस y1, y1 इज 0, x एक्सिस पे क्या है टाइम t, और x की जगह आ गया t माइनस x1, x1 इज 0 इक्वल टू y2, y2 इज 24 वोल्ट्स माइनस y1 इज 0, x2 इज 6 मिली सेकंड, x1 इज 0। So, VT का एक्सप्रेशन क्या मान गया, VT इज इक्वल टू 4 KT, 4 KT, K क्यों, मिली, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो वो K बन गया। So, VT इज 4 KT, इफ VT इज 4 KT नाउ वी कैन फाइंड IT, IT will be C times derivative of voltage, C is 5 microfarad, derivative of 4 kT, derivative of 4k t will be 4k 5 micro into 4k that will be 20 milli, so it will be 20 milli in time interval 0 to 6 millisecond when voltage was ramp function, it was constantly increasing from 0 to 24 in this time interval, but in this that particular time interval where voltage was constantly increasing, the current is constant. 0 to 6 millisecond current is 20 milliampere. So if I draw current over here in same time interval, this is IT in milli ampere and this is t in millisecond, between time 0 to 6 milli current is constant, that is 20 milliampere.
Now for second time interval from 6 milli to 8 milli second. Let's find Vt again. So Vt will be Vt minus, now Y1 will be 24. And T is 6 milli. Sorry, T is T minus T1 is 6 milli. And Y2 in this case is 0. 0 minus Y1 is 24. And X2 is 8 milli. Time interval is 8 milli and 6 milli minus x1 is 6 milli. So expression of Vt will be (24)/2 milli (-12K). Into T minus 6 milli plus 24. So this will become minus 12 K T plus 72. 12 K into 6 milli will be 72. Plus 24. This will become minus 12 kT plus 96 Vt in time interval 6 milli to 8 milli is minus 12 kT plus 96. This is the expression of Vt, and as we can see that minus sign shows that it's decreasing function. Minus 12 kT decreasing and plus 96 is a DC value. Equation of state time for mx plus c. Now how can we find it? In this time interval, now we have Vt. Vt is minus 12 kT plus 96. Then It will become, It is capacitance into derivative of voltage. Capacitance is 5 micro and derivative of voltage. Now derivative of minus 12 kT plus 96 is a constant. Derivative of 96 will be 0 and derivative of minus 12 kT will be minus 12 K. Will be minus 12 k, that will become minus 60 milli ampere. It in this time interval, as we know that it is capacitance into derivative of voltage. Capacitance was 5 microfarad and derivative of voltage in this particular time interval is minus 12 kT plus 96, and derivative of minus 12 kT plus 96 will be minus 12 K. So minus 12 K into 5 is minus 60 milliampere. So IT in this particular time interval is minus 60 and it's constant again. So when the voltage was decreasing, okay, I have to redraw it because minus 60 will not come in range. So if this is 20 for time interval 0 to 6 milli, then this will be
माइनस 60 मिलीसेकंड एंड दिस इज 8 मिली सो इन दिस टाइम इंटरवल करंट विल बी माइनस 60 सो when the voltage was changing, increasing or decreasing constantly, the current was constant. So this is how you can solve this type of questions. Then graph of voltage is given and you have to find a voltage, and we know the expression of voltage. The graph of voltage is given and you have to find the current. In this case, we know that Id is equal to C into derivative of voltage. So, this is how we can solve this type of questions. I hope and clear copy of it. Okay, ये हम example कर रहे थे 6.2 और example 6.3 है उसमें कहता है कि जो अभी आपने example की है Determine the energy stored in the electric field of the capacitor in example 6.2 at t is equals to 6 millisecond. वो कहता है कि इसी example में आप energy find करें at 6 millisecond. तो 6 millisecond में कितनी energy है capacitor में तो वो हम find करते हैं. हमें पता है energy का expression क्या था? 1 by 2 C V square T तो हमने एनर्जी किस टाइम इंस्टेंट पे फाइंड करनी है एट टाइम इंस्टेंट 6 मिली सो दिस इज ग्राफ ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दैट कैपेसिटर एंड एट टाइम इंस्टेंट 6 मिली द वोल्टेज इज 24 एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट 6 milli voltage is 24 so this will be 1 by 2 C is 5 micro and at time t is equals to 6 milli voltage is 24 okay so answer of this question is 1440 स्टूडेंट ये ग्राफ है क्वेश्चन में उसने कहा है कि करंट का ग्राफ इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर गिवन है इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर मींस इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है वोल्टेज जीरो उसका जो करंट का ग्राफ है वो ये गिवन है जीरो से टू टाइम इंटरवल क्या है मिलीसेकंड दिस इज मिलीसेकंड टाइम जीरो से टू में इसका इंक्रीज कर रहा है और 16 एम्पीयर तक जा रहा है उसके बाद 2 से 4 तक करंट कांस्टेंट रह रहा है और माइनस 8 एम्पीयर अब करंट एम्पीयर में है ओके मैं पॉज कर लूं प्रॉब्लम लग रही है ओके करंट जो हमें गिवन है वो है माइक्रो एम्पीयर ये बुक में थोड़ी सी आई थिंक मिस्टेक है मिस्टेक कितनी उसने एम्पीयर लिख दिया लेकिन करंट जो है उसी वो माइक्रो एम्पीयर में गिवन है ओके तो अब हमें पता है कि हमने
तीन क्वांटिटीज ना सिर्फ फाइंड करनी है बल्कि प्लॉट भी करना है। तो कहते हैं वी टी पी टी और ओमेगा टी मीन्स वोल्टेज पावर और एनर्जी फाइंड करें और उसको इनी सेम टाइम इंटरवल में प्लॉट भी करें। तो वोल्टेज हमें पता है किसके इक्वल होती है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर इज हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था बी टी नॉट प्लस वन ओवर सी टी नॉट टू टी इंटीग्रल ऑफ आई एक्स डी एक्स। तो वोल्टेज का तो ये एक्सप्रेशन है, अब इसके लिए वोल्टेज अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आई एक्स होना चाहिए। आई एक्स इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में और टाइम इंटरवल आई एक्स क्या है, y2 minus y1 x2 minus y minus y1 x minus x1 y2 minus y1 x2 minus x1। तो आई एक्स है इस टाइम इंटरवल में 16 माइक्रो डिवाइड बाय 2 मिली। तो ये क्या बनेगा, एट मिली। एट मिली तो आई एक्स विल बी 8 मिली एक्स, आई एक्स विल बी 8 मिली एक्स। तो आई एक्स अब हमारे पास आ गया, अब हम इस टाइम इंटरवल में वी टी फाइंड कर सकते हैं। तो वी टी किसके इक्वल होगा, वी टी, अब वी टी नॉट कितना है क्योंकि हमें गिवन है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, इसका मतलब है कि इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं थे, तो वी टी नॉट जीरो हो गया प्लस वन ओवर सी इज 4 माइक्रो, मैंने कहीं लिखा नहीं, ये जो गिवन है ये 4 माइक्रो कैपेसिटर के क्रॉस वैल्यूज गिवन है। ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 4 माइक्रो, तो C is 4 माइक्रो एंड इंटीग्रल ऑफ T नॉट निश्चित 0 था तो इधर हम T नॉट को ले रहे हैं 0, so v 0 is 0 and t naught is time at 0, ix dx, ix अभी हमने find किया, ix क्या है 8 मिली x, 8 मिली x dx, इसको solve कर लेते हैं, हमारे पास vt आ जाएगा। तो वी टी क्या होगा, टू टू के इंटीग्रल ऑफ एक्स विल बी एक्स स्क्वायर बाय टू एंड लिमिट्स आर जीरो टू t, so 2 से कैंसिल हो गया 1000 t स्क्वायर, v t is 1000 t स्क्वायर। और 10 is power 3 t स्क्वायर, so if v t is 1000 t square in this time interval t less than 2 milli and greater than equal to 0, so t square is showing that it's not a straight line, it's actually a parabola,
So at time t is equals to 0, it will be 0, and at time t is equals to 2 milli, V t is equals to 0 will be 0, and V at t is equals to 2 milli will be 1000 into 4 micro. (10⁻³⁶) So 2 milli square is 4 micro, 4000 micro. Vt is 4000 micro at time t is equal to 2 millisecond. So now we can plot this graph. So between time interval 0 and 2 milli, when current was constantly increasing, the voltage is increasing like a parabola, right? Now for time interval 2 to 4, quick question. Time interval 4 milli to 2 milli. Now we have to find voltage for this time interval, and for this particular time interval, current is actually constant. We don't need a slope formula to find out the current in this case, because we can clearly see that at 2 milli, current is minus 8 microampere. At 3 milli, current is minus 8 microampere. At 4 milli, current is minus 8 microampere. So in this particular time interval, current is constant. So we don't have to use this slope formula because it has a zero slope. So we can clearly see that in this time interval, ID is minus 8 microampere. In 0 to 2 millisecond time interval, current was not a constant. It was constantly increasing at every time instant. It is a ramp function. But in this particular case, this is constant. So we don't have to use this slope formula. So IT is minus 8 microampere, and we know that formula of VT is, in this case, T naught is 0. So I will write V0 plus not V0. Okay. Every time in particular time interval, the T naught will be initial value of that time interval. In this case, T naught is 2 milli. In this case, T naught is 2 milli. Initial value of every time interval for which you are calculating the voltage, T naught will be the initial value of that time interval. So in this case, V T naught is, T naught is actually 2 milli plus 1 over C
C is 5 micron. Integral of Ix, we know that Ix is minus 8 micro ampere and dx. We don't need to write x dx, there is no x, it's a constant value, minus 8 micro. So you should write minus 8 micro, it's not minus 8 micro x. So Ix is minus 8 micro and dx. And limit of this particular time interval is 2 milli to 4 milli. But we need expression like this. We need expression 1000 t square. So if I substitute t with 4 milli, the answer will be a constant. This will become a definite integral. So in these particular cases, when we have to draw a function, we will use upper limit always t, not a constant. So from 2 milli to t. Now calculate these values. Voltage at 2 milli is what? Voltage at 2 milli is, now we know that in this case capacitor was initially uncharged, so voltage was 0. But in this particular case, VT0 is not 0 because voltage at 2 milli is 4 millivolt. So you have to write 4 millivolt over here plus or minus 2 micro into mega, will cancel each other, micro over micro. So minus 2 x, limit is 2 milli to t. So this will become 4 milli more minus 2 t minus 2 milli. So equation is minus 2t plus 8 milli. So Vt in this particular time interval is minus 2t plus 8 milli. Now how can you plot minus 2t plus 8 milli? We can clearly see that minus sign is showing that it's a straight line. We know that t has power 1, so it's a straight line, and negative sign shows that it's decreasing, it's a negative slope. So we will calculate initial and final point. Initial point is, we know that at 2 milli, the final point, we can calculate final point by putting last limit in this expression minus 2. Last limit is 4 milli, 4 milli plus 8 milli. So this will become minus 8 milli plus 8 milli. Vt at 4 milli is 0. Now we have two points. Initial point is over here, and at 4 milli, at 4 milli it is 0, and we know that by the nature of this expression minus 2 is decreasing slope. So we will connect these two points like this. We have initial and final point, and we know that this is an equation of straight line and this is negative slope because of minus sign, so we can join these two points. So this is the plot of voltage. Now for power, time is 40 minutes. 40 minutes, okay. Yeah. Awesome.